बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद एजाज। सबसे पहले तो मैं आपको एक इस वीडियो के रेफरेंस से जो है वो आज हम आपको एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि तकरीबन हमारी जो यूट्यूब चैनल है DOC अहमद एजाज ऑफिशियल, उस पर 1000 से जो ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी है और हमारी जो कम्यूनिटी है उसमें भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। और मुझे मतलब कि बहुत सारे जो दोस्त हैं जो उर्दू समझते हैं या उर्दू के जो ज़ौक है और वो जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक तो ये कि मतलब थैंक यू का एक आपको मैसेज देना था। सेकंड ये कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आगाह नहीं है कि चैनल को जो है वो किस तरह जो है वो सर्च करना है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर तकरीबन 1000 जो है उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है। और वो किन किन जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि मतलब फोबियाज और होम्योपैथी, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है हमने फोबियाज और होम्योपैथी जो उसका इलाज है उसको जो है वो दोस्तों के सामने रखा है, एक ये बात होगी। सेकंड ये है कि होम्योपैथिक की जो मदर टीचर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी मतलब है कि उनकी बुनियाद क्या है, किस तरह बनते हैं और उनको किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, सेकंड ये हो गया। उसके बाद हमने बाउल असोड जो है फर्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप बाउल असोड के बारे में आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद हमने ये किया कि होम्योपैथिक जो थेरापेटिक्स हैं उन पर हमने बात की कि नहीं वो बीमारी है वो क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी जो है वो आगे कम्प्लिकेशन जाके क्या हो सकती है, फिर उसके होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, ये हमने किया। और ये आपको 150 से ज़्यादा जो है मुख्तलिफ जो डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनके वाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने अपनी जो केस स्टडीज़ थी जिसमें हमने कामयाबी हासिल की, हमने वो केस जो है वो आपके सामने शेयर किए। उसके बाद हमने ये किया कि माइंड साइंसेस पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की कि माइंड साइंसेस की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, ताकि आप अगर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या आप उससे अवेयर होना चाहते हैं तो आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो। फिर हमने किया कि होम्योपैथी के ऊपर हमने बात की, होम्योपैथी क्या है और उसके साथ रिलेटेड जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं फार्माकोलॉजी या बाकी फिलासफी केस टेकिंग उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बेच फ्लावर रेमेडीज़ पे फर्स्ट टाइम जो है वो काम किया और बेच फ्लावर रेमेडीज़ जितनी अदवियात हैं उन तमाम पे आपके पास डाटा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद जो बायोकेमिक एक बहुत अच्छी फील्ड है होम्योपैथी की, होम्योपैथी की जो मेडिसन्स हैं होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होती हैं, बायोकेमिक जो है वो उसके लिए हमने आपके सामने जो है वो हम जो बायोकेमिक हैं उनको डिफरेंट एंगल से जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद हमने मोटिवेशन पे बात की, शॉर्ट जो मोटिवेशनल जो वीडियोज़ हैं हमने वो भी की कि हमारी जो ज़िंदगी है हम उस पर किस तरह जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि ज़ाहिर है जब 1999 में जब मैंने होम्योपैथी जो है वो पढ़ी तो मेरे साथ सामने कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं थी, कुछ सीखने का कोई ज़रिया नहीं था और चंद नाम थे पाकिस्तान में बड़े जो बड़े से डॉक्टर हैं, तो उनके पास जाना और वहाँ स्टे करना और उनसे सीखना जो है वो ज़्यादा खुद एक बहुत तकलीफ दे और ज़ाहिर इंसान जो है वो जॉब भी कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये कि यूट्यूब और सोशल मीडिया का जब दौर आया तो काफ़ी अर्सा हमें भी समझ नहीं थी, फिर जब सीखा और फिर उसको पॉजिटिव जब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लिया तो फिर ये इस बात समझ आई कि आपके पास जो कुछ भी है आप अपना जो दिल है वो निकाल के अगलों के सामने रख दें, मतलब है कि वो फिर डिपेंड करता है कि कौन उससे बेनिफिट उठाता है, कि कौन उसको किस हिसाब से जो लेता है। अब चूंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं पिछले 23 साल से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज़िंदगी की जो है वो 43 जो बहारें वो मैं देख चुका हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा होम्योपैथी से जो कुछ सीखा, मैं तकरीबन 12 साल फार्मास्यूटिकल में रहा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक रहा है और मैंने मैनेजमेंट साइंसेज में मास्टर किया हुआ है। तो ये सारी बातें बतौर माहिर नफ्सियात एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक इंसान के या एक स्टूडेंट के, यानी एक ऐसा इंसान जब ज़ाहिर है वो घर से आया उसके बड़े ख्वाब थे और उसने ज़िंदगी में काम किया स्ट्रगल की और फिर उसने बहुत कुछ सीखा और हज़ारों लोगों को मैंने ट्रीट किया, तो फिर अब मुझे ये लगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं होम्योपैथी की जिनको ज़रूरत है इस बात की कि वो बजाय इसके कि कोई दूर दराज का सफ़र करें और सोशल मीडिया के इस दौर में इसको एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी जो दिल की बात है वो उन तक पहुँचा दूँ। और इस पर जितने भी ओपिनियन हैं उनका ताल्लुक मेरी प्रैक्टिस के साथ है और किसी भी वीडियो के अंदर हमने कोई बात भी
जो है वो इस तरह की नहीं की कि जिसको मतलब लफाजी के लिए या जैब दास्तान के लिए, हमने अपने दिल से बात की है। और ये इसलिए की है कि हमारे जो दोस्त हैं जो आने वाले हैं, देखिए अब तीन तरह के डॉक्टर हैं, एक वो लोग हैं जो मुझसे सीनियर हैं, एक वो लोग हैं जो मेरे हमअसर हैं, और एक वो लोग हैं जो मुझसे जूनियर हैं। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लोग मेरे जो कोलीग हैं उनके साथ हमारी गपशप है, मामलात हैं, और उनसे हमने सीखा भी है, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और जो जूनियर हैं उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि जो आइंदा आने वाली नस्ल है, हमने जो तकलीफें जो हैं वो देखी हैं, तो उनके लिए जो है वो सहल हो जाए। यानी होम्योपैथी का जो 23 साल का मेरा तजर्बा है, या 40+ ईयर जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो हमने जिंदगी में सीखा, वो उनके एक पाम पे, यानी वो अपने हाथ पे उसको देख सकते हैं। और मैंने दो किताबें जो हैं वो लिखी हैं, माइंड साइंस पे लिखी हैं, होम्योपैथी भी लिखी है, एक किताब मेरी इंडिया में भी लॉन्च हुई है। और मतलब है कि मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ, और अपने स्पेशली जो देखने वाले लोग हैं उनका। और इसमें एक और तरीक भी है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस आप होम्योपैथी की किसी दवा के बारे में जानना चाहते हैं, आप उस दवा का नाम लिखें, आगे लिखें DOC अहमद एजाज, DOC AHMED EJAZ ऑफिशियल। तो जब आप ये लिखेंगे, अच्छा आप समझते यार मुझे टाइफाइड के बारे में जानना है, आप टाइफाइड फीवर लिखें, उसके आगे लिखें भाई DOC अहमद एजाज ऑफिशियल, वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आप बायोकेमिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप बायोकेमिंग मेडिसिन का नाम लिखें, उसके बाद लिखें भाई DOC अहमद एजाज ऑफिशियल, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप जो है वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो हमसे सीख भी सकते हैं। बाकी ये कि मेरा क्लिनिक जो है वो अहमदाबाद में है, 1-8 चैनल सेंटर दिमाल अहमदाबाद, तो हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। कोई बंदा भी आना चाहता है वो फ़ोन करके आ सकता है, हमारा क्लिनिक विजिट कर सकता है, हम हमसे बात कर सकता है, हमसे सीख सकता है। हम मतलब हमारे दिल में जो भी है वो हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं इसके साथ जुड़ें और वो इससे फ़ायदा उठाएं, और हमारी ये एक कोशिश है। और ये हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो स्टूडेंट हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये जो वीडियो है आप उनसे शेयर करें। इस वीडियो के साथ हम अपने लिंक सारे जो हैं वो शेयर कर देंगे, आप हमारे साथ जुड़ें। आपके जहन में कोई सवाल है वो आप हमसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।